आज फेसबुक से लेके टेंसेंट से लेके स्नैपचैट माइक्रोसॉफ्ट इवन एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ है कि इवन यूट्यूब ने मेटावर्स पे अपनी नई यू कैन से जर्नी शुरू कर दी है। तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स आज मेटावर्स में आ चुके हैं। फेसबुक ने तो अपना नामकरण ही मेटा बना दिया है जस्ट टू एंडोर्स मेटावर्स। तो मेटावर्स आज टेक्नोलॉजी के जगत में जिसे कहते हैं वेब 3.0 यानी कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आया है। और मेटावर्स में मैं पहली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट बनके एक ओरिजिनल गाना और म्यूज़िक वीडियो आज आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि दुनिया में मैं पहली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट बन चुकी हूँ जिसने इसी मेटावर्स में पहला गाना एक म्यूज़िक वीडियो के साथ रिलीज़ किया है। गाने का नाम है लव यू मॉम, ये एक इंग्लिश गाना है और मैंने 12 फरवरी 2022 को ये गाना रिलीज़ किया मेटावर्स के नेक्स्ट मीट नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है और इंडिया की ऑडियंस थोड़ी नई है शायद इस चीज़ समझने में, तो क्या है और किसी को लॉन्च करना हो तो कैसे लॉन्च करें, क्या है मतलब थोड़ा प्रोसेस इजीली बताएंगे तशो? सबसे पहले ये एक कल्ट है, ये एक आंदोलन है, ये एक क्रांति है जहाँ पर हम लोग म्यूजिशियंस ये कहते हैं कि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ बड़े ब्रांड्स पे डिपेंडेंट नहीं है। आज अगर हम चाहें तो आज हम अपने म्यूज़िक का खुद NFT बना सकते हैं, उसको नॉन फंजिबल टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑडियंस के साथ हम लोग डायरेक्ट लिंक करके अलग अलग NFT प्लेटफॉर्म्स में उसको डायरेक्टली बेच सकते हैं। वैसे ही मेटावर्स एक ऐसा दुनिया है, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मिक्स्ड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इन तीनों के सहारे हम लोग अलग अलग अवतार के फॉर्मेट में कैरेक्टर्स बन के मेटावर्स में गाना रिलीज कर सकते हैं। मेटावर्स में हम लोग अपने प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं, मेटावर्स में हम लोग खुद अलग अलग अवतार बन के लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पर बैठे बैठे अमेरिका के बिल गेट्स के साथ 1-on-1 मीट कर सकते हैं, उनका अवतार और हमारा अवतार एक दूसरे के साथ एक ही कॉफी टेबल पर बैठ के इंटरेक्ट कर सकता है। तो एक अलग ही टेक्नोलॉजिकल क्रांति है और दुनिया में हमारे इंडिया में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स ने ऑलरेडी मेटावर्स पे एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि फेसबुक के साथ साथ जियो भी अभी मेटावर्स में बहुत बड़े तरीके से आने वाली है। तो आई फील रियली रियली ग्रेट एज द फर्स्ट इंडियन फीमेल आर्टिस्ट टू लॉन्च द फर्स्ट एवर म्यूजिक इन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेटावर्स। और मेटावर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर लॉन्च करने के लिए आपको मेटावर्स प्लेटफॉर्म के साथ इनिशिएट करना पड़ेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और अगर आप चाहें तो आप अपने घर बैठे बैठे कॉन्सर्ट कर सकते हैं जो देश दुनिया में हर प्रांत के लोग उसी कॉन्सर्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ हम लोग सब आइसोलेटेड हो गए, अपने घर में अलग अलग तरीके से हम लोग कैद हो गए, लेकिन मेटावर्स ने हमारा जोन को इतना बड़ा कर दिया कि घर में बैठे बैठे हम चाहे तो आज जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट एंजॉय कर सकते हैं, लेडी गागा का कॉन्सर्ट एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, घर पे बैठे बैठे हम लोग वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर उछल कूद सकते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो कभी हिल नहीं सकता है, जो व्हील चेयर पर बैठा है, वो भी मेटावर्स में आज जाके डांस कर सकता है अपना अवतार क्रिएट करके। तो मेटावर्स मैं कह रही हूँ वेब 3.0 दैट इज द फोर्थ रेवोल्यूशन लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो दुनिया का ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। ये नेक्स्ट मीट के साथ आपने एक तरह से बॉन्डिंग की है या टाइप किया है, ये क्या है? और जैसे कि मुझे आपका गाना या हम सभी ऑडियंस को देखना हो आपका गाना, तो हम कैसे इस मेटावर्स में देख सकते हैं? जी सबसे पहले मैं नेक्स्ट मीट के CEO पुष्पक जी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि दे हैव एनेबल्ड, इतना बड़ा एक म्यूज़िक लॉन्च को उन्होंने एनेबल किया है। उनके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो अपने प्लेटफॉर्म में एक से हज़ारों लोगों को कॉन्सर्ट में इनवाइट कर सकते हैं। और मेरे कल के मेटावर्स के म्यूज़िक लॉन्च में बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और चाहे तो मेरा जो अगला कॉन्सर्ट होगा वहाँ पर भी आप सब, जी हाँ आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मेरे सारे ऑडियंस सारे दर्शक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इतना इंटरफेस है आज के टेक्नोलॉजी के साथ। मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लव यू मॉम दिस इज द फर्स्ट टाइटल एंड दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू योर मदर, टेल अस मोर अबाउट द थिंग लाइक हिस्ट्री ऑफ दिस सॉन्ग। जैसे कि हमने पता चला कि अब बचपन में आपने शायद गाना डेडिकेट किया था मम्मी, थोड़ा बताइए। मैं बेसिकली बहुत छोटी थी, मैं यू कैन से माई फर्स्ट रिटन सॉन्ग, माई फर्स्ट ओरिजिनल रिटन सॉन्ग यही गाना है। जो मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो हमारे स्कूल में एक बार एनुअल डे था,
तो सब बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बना रहे थे, तो मैंने मेरी माँ को देख के ये गाना डेडिकेट किया था. और मेरे को हमेशा से मेरे दिल में ये इमोशंस थे, क्योंकि माँ को वो गाना सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. तो मुझे हमेशा से लगा कभी अगर मैं कंपोज़र बनूँ दुनिया में, इफ़ आई कुड एवर बिकम अ कंपोज़र, तो दिस वुड बी माई फर्स्ट सॉन्ग. तो आज क्योंकि मम्मी का बर्थडे आने ही वाला है और कल वैलेंटाइंस डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को ट्रिब्यूट देके और इस दुनिया के सारे माओं को ट्रिब्यूट देके ये गाना मैं रिलीज़ करूँ, लव यू मॉम. और इस गाने में आप अगर सुनेंगे, उसमें एक लिरिक्स है, ओ माँ आई नीड यू. इसका मतलब मैंने यहाँ पर इंग्लिश में गाना बनाने के बावजूद मैंने उसमें एक इंडियननेस रखा, क्योंकि हम लोग जब मदर बोलते हैं तो उसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन जब उसको हम माँ कह के बुलाते हैं तो उसमें एक अलग इमोशन होता है. तो आप गाना सुनिए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा. दिल से बनाया है, सारे माओं के लिए बनाया है, और मैं चाहती हूँ आप सब इस वैलेंटाइंस डे में अपने मम्मी को सबसे बड़ा वैलेंटाइन बना के ये तोहफा जरूर उनसे शेयर करें. ये लव यू लाइन आप सुनाते हैं जी. समथिंग इज इम्पोर्टेंट मदर, हा हा, समथिंग इज इम्पोर्टेंट मदर, दैट इज यू. If you leave me, I can't live for seconds few. Something yep. is important, mother, that is you. If you leave me, I can't live for seconds few. In the heaven, oh mother, mother, take me with you. In the heaven, oh mama, please take me with you. You're my everything. That I need, you're my everything that I need. Oh mother, you are great and I need you and you. Something is important, mother, that is you. If you leave me, I can live for seconds few. Aur abhi sabse pyara wo line hai. Oh ma, oh ma, oh ma. Oh ma, I need you. Oh, I need you. Oh ma, oh ma, oh ma, oh ma, I need you. Mama, I love you. दर्शकों को ये गाना कहाँ देखने को मिलेगा? They want to see Love You Mom song. ये गाना आप सभी को मेरे YouTube चैनल Winnie Diaries में देखने को मिलेगा. और ये मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन भी आज रिलीज़ किया है, लेकिन इसका जो पहले दिन का मेटावर्स रिलीज़ हुआ था वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब देख सकते हैं, विनी डायरीज, VINNIE DIARIES, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में. इसके अलावा यू आल्सो डू रैपिंग लाइक जी, तो हम चाहते हैं कि रैपिंग में भी कुछ दर्शकों को कुछ जी. हाँ, मैं बहुत ही खुश हूँ आप सभी से ये शेयर करने के लिए कि मैं पहली दुनिया की बंगाली फीमेल रैपर बन चुकी हूँ. और मेरा पहला जो रैप था जो मैंने 2019 में आज ही के दिन रिलीज़ किया है, देखिए ये एग्जैक्टली इसको आप कोइंसिडेंस कह सकते हैं, भगवान जी का आशीर्वाद कह सकते हैं, आज के दिन जो मेरा रैप रिलीज़ हुआ था वो 3 मिलियन के आसपास, ऑलमोस्ट 2.9 मिलियन बन चुका है. आज वो अमेज़ॉन प्राइम में है, स्पॉटिफाई में है, एप्पल म्यूज़िक में है, और जियो में है, हर जगह दुनिया में वो गाना सुपरहिट हो चुका है. गाने का नाम है अपना टाइम आ गया, और ये एक ओरिजिनल रैप था, ये वुमन एम्पावरमेंट पे था. तो आप चाहे तो मैं दो लाइन इसका सुना सकती हूँ जी. छोटे से शहर की हूँ, स्मॉल टाउन गर्ल मैं, इरादे कहर एटीट्यूड ये कत्ल है, खुद के दम पे खुद से बन के खुद की राह खुद तय करके दिखा दिया, लड़की होती है क्या असल में, जो बेटियों को बेड़ियों में बांधे, कहे माँ बाप के ना बन पाए कांधे, जानते नहीं किस मिट्टी की बनी हूँ मैं, मिट्टी में मिला दूं जिसको आना आन दे, 100 इसी चिंगारी में आग बनती जारी में, खेलना ना मुझसे अच्छे अच्छों की हुफाड़ी में, लड़की हूँ संस्कारी घटिया सोच को दफनारी, तुम अच्छे हो तो प्यारी बुरे लोगों की शिकारी में, क्यों क्योंकि अपना टाइम आ गया, अपना टाइम आ गया, तू बंदा मुर्दा आया था अब जिंदा आग लगा गया, अपना टाइम आ गया. Thank you very much. So you're already famous as Meme Bau in Bengal, West Bengal. Just tell us about that. और अभी आगे की जर्नी क्या क्या रहेगी आपकी? मैं तो सबसे पहले मेरे बंगाली दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मेम बहू सीरियल में ब्रिटिश किरदार कैरल ब्राउन के रूप में बहुत अच्छे से सराहा है, और
पिछले कुछ सालों तक मैं डिज्नी हॉटस्टार में और स्टार जलसा के पर्दे में थी। हमारा पहला सीरियल जो कि स्टार टीवी का सीरियल जो कि यूरोप में शूट हुआ था वो था मेम बहू, और उसमें एक फॉरेनर का किरदार प्ले करके बहुत ही अच्छा लगा था। वर्ल्ड टूर हुआ था हमारे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट का, और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला था वहाँ पर। उसके बाद राइट नाउ आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी ब्रांड, और मैं करेंटली एक बहुत ही बड़े टेक्नोलॉजी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं मेटावर्स पे बहुत सारा रिसर्च कर रही हूँ, और डिजिटल वर्ल्ड में, आप कह सकते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी और मेटावर्स को लेके काफ़ी सारा बड़े लेवल पे रिसर्च और उसके ज़रिए एजुकेशनल एक कंटेंट बना रही हूँ। और साथ ही साथ म्यूज़िक मेरे बहुत सारे आने वाले हैं। लास्ट टाइम आपने मुझे शान के साथ बॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर म्यूज़िक वीडियो में देखा है, तू मेरा रब है, दिल का मजहब है। तो मेरी बॉलीवुड की डेब्यू शान, जो कि हम सभी के चहेते सिंगर है, उनके हाथों हुआ है। फिर बॉलीवुड में बहुत सारा फ्रेश आर्टिस्ट के लिए और फ्रेश वॉइसेस के लिए आज के डेट में स्कोप है, और मैं चाहूँगी कि बॉलीवुड हम सभी न्यू आर्टिस्ट को, न्यू कलाकार को एम्ब्रेस करे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ने आज आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया है कि हम लोग आगे भी बहुत सारा नए इनोवेशन को लेके आए और एक एक करके हिस्ट्री बनाए। तो मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट, मैं एक अपकमिंग लव सॉन्ग बनाने वाली हूँ जिसका नाम है दिल के करीब आओ ना, धड़कन में समाओ ना, तुमने जो ख्वाब दिखाया है उसे निभाओ ना। ये गाना भी मैंने ऑलमोस्ट एक साल पहले लिखा था, उसका अभी कंपोजिशन चल रहा है, और वो भी मैं चाहती हूँ पहला लव सॉन्ग मेटावर्स में ही रिलीज़ हो, तो उसका भी प्रेपरेशन चल रहा है, उसके लिए मैं कॉन्सर्ट के लिए तैयार हो रही हूँ। और साथ ही साथ एक ओरिजिनल रैप गाना मेटावर्स को लेके बनने वाला है, उसी की अभी प्रेपरेशन चल रही है। तो मेटावर्स को लेके बहुत सारा नयापन चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैं मेन स्ट्रीम म्यूज़िक में भी बहुत सारा काम कर रही हूँ, और उसमें आप मुझे बहुत सारे न्यू कलाकार के साथ कोलैबोरेशन में देखने वाले हैं। इंडिपेंडेंट मेरे चार म्यूज़िक आने वाले हैं, और हाँ, देखते हैं ऊपर वाले की मर्ज़ी से, अगर बॉलीवुड को मेरा आवाज़ या अंदाज़ पसंद आया तो यू नेवर नो। मैम, आप सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोज़र, अब और क्या नया आपसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक कम्प्लीट आर्टिस्ट हूँ, ना कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ या सिंगर हूँ। आई फील जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, वो अभी अपने आप को कभी बांध के नहीं रखता है। तो मैं भी कभी लाइफ में बांध के या कभी कोई कंपार्टमेंट में रह के नहीं रहना चाहती हूँ। आई ऑलवेज वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर। मैं मेरे सारे क्रिएटिव चैनल्स को खोलना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ से माँ सरस्वती की कृपा आए मैं वो सारे एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो अभी आप देखिए जिस प्लेटफॉर्म में मैं अभी हूँ, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मैं राइटिंग से लेके रिसर्च से लेके कंटेंट क्रिएशन से लेके उसका प्रोडक्शन वो भी संभाल रही हूँ। साथ ही साथ जब म्यूज़िक की बात आती है तो उसका ओरिजिनल टोन टेक्सचर कैसा होगा, उसका कंपोजिशन, उसका लिरिक्स, उसमें कैसी फील होनी चाहिए। मुझे लगता है जब हम लोग खुद खाना बनाते हैं तो उसमें स्वाद अलग होता है। सो आई फील क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम ज़ीरो और फ्रॉम स्क्रैच इज़ लाइक क्रिएटिंग योर ओन बेबी। तो मेरे लिए मेरा जो भी सृष्टि है वो मेरा अपना खुद का बच्चा जैसे है, तो मैं अपने बच्चे को अपने तरीके से बनाती हूँ। एंड आई एम अ क्रिएटर, आई कैन कॉल माई सेल्फ एन आर्टिस्ट क्रिएटर। तो आप मुझे कभी एक्ट्रेस बना सकते हो, कभी सिंगर बना सकते हो, कभी रैपर बना सकते हो, मैं क्रिएटिविटी के लिए हमेशा रेडी हूँ। मैम, यू ऑल्सो बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, आपके पेरेंट्स किस तरह से आपकी ड्रीम्स को सपोर्ट करते थे, बताइए ज़रा, प्लीज। थैंक यू सो मच, आपने मेरे परिवार के बारे में आज सबके सामने जिक्र किया। जी हाँ, मैं महाराजा कृष्णचंद्र राय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर, जिनके नाम पे आज मैंने ये गाना डेडिकेट किया, वो एक्चुअली उस फैमिली से बिलोंग करती हैं। सो माय मदर इज़ अ रियल ब्लू ब्लड, शी इज़ एक्चुअली अ प्रिंसेस। और आई फील रियली रियली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि एक महाराजा फैमिली के जो आज के वंशज होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कंपेरिजन उनके फोर फादर्स से, एनसेस्ट्री से होता है। तो हाँ, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ मैं उनका जो गोल था, दैट इज़ जन कल्याण के लिए बहुत सारा काम करना, तो मेरा भी ड्रीम है मैं जो भी क्रिएटिव आर्ट करूँ, जो भी काम करूँ, उसमें एक यूनिवर्सल टच हो, उसमें एक यूनिवर्सल अपील हो, उससे लोगों को अच्छा महसूस करने को मिले, लोगों को एक अच्छी फील गुड फैक्टर मिले, और आगे जाके मैं
एनिमल्स के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ आगे जाके मैं. बहुत सारे यू नो पुअर पीपल, स्पेशली जो लोग ओल्ड एज होम्स में, जो ओल्ड लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो लोग सफ़र करते हैं, उनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहूँगी. मैं अनाथ बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ. तो मेरे पेरेंट्स मेरा विजन समझते हैं और उनको पता है कि मैं ये सब जो अपने ग्रोथ के लिए कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरे पर्सनल स्वार्थ के लिए नहीं है, आगे जाके इसका बहुत बड़ा पर्पस है. मैं एक बहुत बड़ा फाउंडेशन खोलना चाहती हूँ जिसमें मैं सारे एनिमल्स को उनका टेक केयर करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना चाहती हूँ. तो मेरे पेरेंट्स, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, एंटायर रॉयल फैमिली सपोर्ट्स भी, उनको पता है कि आगे जाके ये सिर्फ बिगिनिंग है. जिस दिन मुझे एक आवाज़ मिलेगा तो मेरी आवाज़ से हमेशा कल्याणकारी वाइब्स ही निकलेगी, बिकॉज आई फील आई शुड बी ट्रू टू माई नेम. एक्चुअली माई फोर फादर्स हैड गिवन मी अ नेम, जो मेरे पूर्वज थे उन्होंने मुझे कल्याणेश्वरी कह के बुलाया था. तो मैं चाहती हूँ मैं कल्याणकारी काम ही करूँ पूरी लाइफ में. मैम, आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगी, एनी मैसेज टू योर फैंस? मैं अपने सारे दर्शकों को दिल से हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश करना चाहती हूँ. एक दूसरे का साथ दीजिए, मम्मी पापा को हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोलिए, उनको दिल से प्यार कीजिए और अपने अपने वैलेंटाइंस के साथ प्यार मोहब्बत शेयर कीजिए, बिकॉज कल एक बहुत ही स्पेशल डे है. और कल के वैलेंटाइंस डे के ओकेजन के लिए मैं आप सभी को मेरा ये लव यू मॉम सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ टू ऑल द मदर्स ऑन दिस प्लैनेट. सारी माओं को मैं ये गाना डेडिकेट कर रही हूँ ताकि आप सब अपने बच्चों के साथ ये गाना सुन के उनकी भी दिल की फीलिंग समझें, क्योंकि हम अपने माओं को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं.